हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ मैं आज आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ दो कंपनीज के नई जॉब अपडेट्स के बारे में, जो कि एक तो पहली 12th पास कंपनी की जॉब है और दूसरी जो जॉब अपडेट है वो है naukri.com की तरफ से। बेसिकली naukri.com एक इनका प्लेटफॉर्म है जो कि InfoEdge कंपनी की तरफ से है, तो इसमें ही आपका दूसरा वाला जो वर्क है वो उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगी। और जो पहली हायरिंग मैं आपको बताने वाली हूँ वो है हायरी फॉक्स क्लाइंट कंपनी की तरफ से, जो कि एज अ मीडिएटर काम करती है, जिनको काम करना है और जिनको काम जिन कंपनियों को रिक्रूट करना है लोगों को, उनके बीच में एज अ मीडिएटर काम करती है। तो ये दो कंपनीज हैं, पहली है हायरी फॉक्स क्लाइंट और दूसरी है naukri.com यानी कि InfoEdge की तरफ से। ओके, तो ये दोनों कंपनीज के बारे में आज हम बात करेंगे। इनमें नई फ्रेश हायरिंग चल रही हैं और एक या दो दिन पहले ही अपडेट हुई हैं, तो इसके बारे में मैं आज आप लोगों को पूरी डिटेल समझाने वाली हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सारी चीजों को ध्यान से समझेंगे इस पूरी वीडियो में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में, जानते हैं कि और पूरी डिटेल्स को समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले जिस रोल के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो है हायरी फॉक्स क्लाइंट की तरफ से। ये है कंपनी का नाम स्मार्ट हायरिंग। आप यहाँ से मींस इनका जो कंपनी की डिटेल्स हैं आप नीचे इनके बारे में पढ़ सकते हैं कंपनी बेसिकली क्या करती है। हायरी फॉक्स इज एन ऑनलाइन मार्केट प्लेस दैट कनेक्ट्स कंपनीज एंड प्रोफेशनल रिक्रूटिंग फर्म्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया मोर इफिशेंटली। यू नो इट एक्ट्स लाइक अ मीडिएटर बिटवीन द रिक्रूटिंग फर्म्स एंड ऑल्सो दी कंपनीज। ओके, तो जो रिक्रूटिंग फर्म्स हैं और जो कंपनीज जिनको काम करवाना है, तो ऐसे लोगों के बीच में एज अ मीडिएटर और अ ब्रिज ये वर्क करती है। ओके, तो यहाँ पर आपका काम जो है वो एज अ कस्टमर सपोर्ट नॉन वॉइस प्रोफाइल के लिए हायर किया जा रहा है और यहाँ पर कोई भी 12th पास अप्लाई कर सकते हैं। आप नीचे देख पा रहे हैं ग्रेजुएशन नॉट रिक्वायर इज रिटन ओवर हियर, सो इट मीन्स इफ यू आर 12th पास फ्रेशर सो यू कैन अप्लाई ओवर हियर। ओके, तो यहाँ पर आपका जो लोकेशन है वो जयपुर लिखा हुआ है, बट करेंटली इट इज़ वर्क फ्रॉम होम, रिमोट जॉब है। आप किसी भी लोकेशन से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी लोकेशन से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पर एक लोकेशन ज़रूर मेंशन होती है क्योंकि कोई भी जॉब हो उसकी कोई ना कोई एक लोकेशन ज़रूर होती है। तो डोंट कन्फ्यूज विद दैट, इट इज़ परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम। परमानेंट रिमोट भी लिख रखा हुआ है, तो परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम है। ठीक है, नॉन वॉइस प्रोसेस की जॉब है, मीन्स ईमेल चैट इन सबसे रिलेटेड है। यू डोंट हैव टू कम्युनिकेट वन ऑन वन और फेस टू फेस समथिंग लाइक दिस। नाउ परमानेंट रिमोट वर्क, रोटेशनल वर्किंग आवर्स, सिक्स डे वर्किंग, यस सिक्स डे वर्किंग है, फाइव डे वर्किंग वाला नहीं है। ओके, और कोई डिस्क्रिप्शन तो इसमें नहीं दिया हुआ है, बाकी ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी हुई। यस, एलपी आपका यहाँ मेंशन है 50,000 टू 225,000 पर एनम आपका एलपी यहाँ पर है, तो आप उसके हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी आपकी पर मंथ मिलेगी आपको। तो ये थी पहली जॉब ओपनिंग जो कि जिसमें 12th पास अप्लाई कर सकते हैं। नॉन वॉइस का प्रोसेस है आपका। ओके, हायरी फॉक्स की तरफ से आप यहाँ naukri.com पे इस पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई बटन पे क्लिक करके, क्योंकि इसमें कोई भी यस आप एक काम और कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ नीचे दे रखी हुई हैं। आप यहाँ पर अगर देखेंगे कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ दी एचआर, उनका ईमेल एड्रेस भी है, फ़ोन नंबर भी है, तो मेक श्योर, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी लिखा नहीं है कि आपको ईमेल करना है या फिर कॉल करना है, तो आप सीधे डायरेक्ट कॉल करो और इनके ईमेल पे अपना अपडेटेड रिज्यूमे भी सेंड कर दो। अपडेटेड रिज्यूमे सेंड कीजिएगा और ये नंबर चेक कर लीजिएगा, अगर व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप पे भी सेंड कर दीजिएगा, और नहीं है कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा, कोई रिस्पांस आपको नहीं मिल रहा है, तो मेक श्योर टू कॉल देम। ओके, क्योंकि नथिंग इज मेंशन हियर सो यू कैन कॉल। ऑलराइट, सो दिस वाज द फर्स्ट जॉब। द सेकेंड जॉब विच आई एम टेलिंग यू अबाउट इज फ्रॉम naukri.com। ओके, बेसिकली इट इज़ फ्रॉम द InfoEdge, बट देयर प्लेटफॉर्म इज naukri.com, सो इट्स बेसिकली फ्रॉम naukri.com। सो हेयर यू हैव टू डू वर्क एज हायरिंग फॉर रिज्यूमे राइटिंग फॉर naukri.com। अब आप अभी तक रिज्यूमे लिखते थे अपने बारे में, रिज्यूमे आप बनाते थे अपने लिए, बट नाउ यू हैव टू मेक रिज्यूमे फॉर अदर पीपल। ओके,
तो आपका काम यहाँ पर बेसिकली ये है कि आपको रिज्यूमे बनाना है, अपना नहीं दूसरे लोगों का, उनके ही लिए आपको, उनके उस हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। तो यहाँ पर आपके पास एक फिक्स सैलरी है जिसके लिए आपका काम बेसिकली यही होने वाला है कि आपको रिज्यूमे बनाना है। तो जैसे कि मैंने एक वीडियो में आपको बताया भी है कि कैसे आप एक प्रोफेशनल रिज्यूमे बना सकते हैं, ओके। तो ये सारी चीज़ें आप उस वीडियो में भी देख सकते हैं, चैनल पे पड़ी हुई, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, ओके। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक भी दे दूंगी, अगर आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं कैसे आप प्रोफेशनल रिज्यूमे बना सकते हैं, उससे आप सीख सकते हैं, ओके। तो बात करते हैं इस जॉब के बारे में। तो यहाँ पर इनका जो लोकेशन है वो है नोएडा, परमानेंट रिमोट वर्क फ्रॉम होम की जॉब है, ओके। यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझने वाली बात यह है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है यहाँ पर कि इट इज़ अ हाइब्रिड मोड अपॉर्चुनिटी फॉर द कैंडिडेट बेस्ड इन दिल्ली NCR एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली NCR इज अ वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी। तो उनके लिए जो लोग दिल्ली हैं, दिल्ली में रहते हैं या फिर दिल्ली NCR में रहते हैं, तो उनके लिए ये है कि इनके लिए हाइब्रिड मॉडल है। हाइब्रिड मॉडल इन द सेंस अगर 6 डे का वर्किंग है, इसमें कितने दिन का वर्किंग है ये नहीं लिखा हुआ है, मान के चले 6 डे का वर्किंग है तो 3 दिन ऑफिस से 3 दिन उनको घर से काम करना होगा। हाइब्रिड मॉडल दिल्ली और दिल्ली NCR वालों के। लोकेशन इनकी नोएडा है, तो नोएडा से रिलेटेड जितने भी NCR में आते हैं जैसे कि गुड़गांव और दिल्ली और भी जितने भी एरियाज हैं, ठीक है। और अगर आप NCR के बाहर हैं, फॉर एग्जाम्पल आप लखनऊ में हैं, आप MP में हैं, बिहार में हैं, समथिंग लाइक दिस, तो आप वर्क फ्रॉम होम की कैटेगरी में आएंगे, तो आपको परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम की जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ओके। तो यहाँ पर जो आपका LPA मेंशन है वो है 3 लाख टू 450 लाख, तो ये आपका पर एनम का LPA बन जाएगा। नाउ और क्या क्या चीज़ है, यस, रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए, एनी ग्रेजुएट, अगर आप कोई भी फ्रेशर ग्रेजुएट, एक्सपीरियंस ग्रेजुएट है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिजायर्ड एक्सपीरियंस 0 to 4 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन टू द सिमिलर बैकग्राउंड, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है इसका पहले से इस फील्ड का तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नाउ जॉब डिस्क्रिप्शन आपका क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं, लाइक वी आर हायरिंग फॉर रिज्यूमे राइटिंग रोल, इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज गो थ्रू द जॉब डिस्क्रिप्शन फिल द नेसेसरी थिंग्स, ओके। तो यहाँ पर एक गूगल फॉर्म भी दे रखा है, गूगल फॉर्म का लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, आप यहाँ से कॉपी करके उसको फिल कर सकते हैं, नो नीड टू डू दैट बिकॉज आई विल गिव इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ओके। मूविंग ऑन, सो द टाइटल ऑफ योर पोजिशन इज एग्जीक्यूटिव एसोसिएट सीनियर एग्जीक्यूटिव, रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन होना चाहिए, एक्सपीरियंस मैंने आपको बता दिया। आपका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो है राइटिंग रिज्यूमेज कवर लेटर्स एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स फॉर द क्लाइंट्स हु अवेल नौकरी फास्ट फॉरवर्ड सर्विस। Naukri.com का एक प्रीमियम सर्विस है जिसके लिए आपको कुछ पेमेंट करना होता है, उसके बाद उनका एक यू नो फास्ट फॉरवर्ड सर्विस आपके लिए स्टार्ट हो जाता है जिसमें कि आप रिक्रूटर से कनेक्ट कर पाते हैं नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में और इजीली, ओके। आप उनको कॉल भी कर सकते हैं उनके डायरेक्ट HR को, तो ये उनके प्रीमियम सर्विसेज में आता है। और प्रीमियम सर्विस में ये भी आता है कि आप अपना रिज्यूमे भी Naukri.com की तरफ से बनवा सकते हैं, तो वो जो बनाते हैं आपका रिज्यूमे उन्हीं के लिए आपकी हायरिंग हो रही है, ओके। उनके कवर लेटर्स, उनके रिज्यूमेज, आप यहाँ से आपका ही काम यहाँ पर होने वाला है कि आप उनके क्लाइंट्स को, उनके जो भी क्लाइंट्स हैं उनका आपको रिज्यूमे बनाना है, ओके। Now, interacting with assigned clients as independent account managers, from gathering requirements to writing the resumes and servicing the account, communicating with the clients using consultative approach, with client servicing being integral to the profile, about 50% time spent. Okay. तो इसमें basically आपका काम क्या होगा? रिज्यूमे आपको बनाना है, तो रिज्यूमे के लिए आपको जो जो भी क्लाइंट है उनको, उनसे आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा ओवर दी फोन कॉल और चैट के थ्रू, क्योंकि उनका रिज्यूमे बनाने से पहले आपको उनकी रिक्वायरमेंट समझनी होगी, उनको किस प्रोफाइल में यू नो जॉब चाहिए उससे रिलेटेड आपको रिज्यूमे उनका बनाना है। तो उसकी रिगार्डिंग आपको उन पहले क्लाइंट से आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनकी स्किल्स क्या है, उसको समझना होगा, उस तरीके से आपको उनका जो रिज्यूमे है वो डिज़ाइन करना होगा। तो इसके लिए यू नीड टू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल सो दैट यू कैन कम्युनिकेट विद द क्लाइंट्स, ओके। नाउ रिक्वायर्ड स्किल्स यहाँ पर अलग से मेंशन है कि एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स एंड मेक श्योर टू मेंशन इन योर रिज्यूमे टू बिफोर अप्लाइंग इन टू दिस जॉब। एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, आउटस्टैंडिंग राइटिंग स्किल्स, एक्टिव लिसनिंग स्किल्स, स्ट्रॉन्ग कन्विंसिंग स्किल्स एंड क्लाइंट हैंडलिंग स्किल्स, सो यू शुड नीड टू हैव
these skills in your resume so that the HR can opt for you. Okay. Desired skills, excellent interpersonal communication skills, solution oriented with effective problem solving skills. बहुत सारी चीजें हैं, आप इसको सब फिल कर दीजिएगा अपने भी रिज्यूमे में. ओके, नाउ इम्पॉर्टेंट नोटिस. ओके, हाइब्रिड मॉडल मैंने आपको समझा दिया है कि आपको क्या करना है. अगर आप दिल्ली एनसीआर से हैं, सो यू हैव टू फॉलो द हाइब्रिड मॉडल, एंड इफ नॉट आउट ऑफ दिल्ली एनसीआर देन यू हैव टू वर्क फ्रॉम होम. ओके, इसके लिए कहीं पर लिखा तो नहीं है, बट या आई थिंक यू मस्ट नीड अ लैपटॉप फॉर वर्किंग. आपको लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी. ओके, और ओके, दिस थिंग हैज बीन रिटन. ओके, कंपनी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी हुई है, नीचे उनका एड्रेस कहाँ पर है. B8 सेक्टर 132 नोएडा, नोएडा उत्तर प्रदेश, इंडिया. ओके, तो ये थी पूरी इसकी जानकारी. ओके, सो अगर आप ग्रेजुएट हैं, फ्रेशर हैं ग्रेजुएशन के बाद, और आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है, आपके पास एक्सपीरियंस है रिलेटेड फील्ड में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं. मेक श्योर टू अप्लाई इन दिस. एंड इसी का जो गूगल फॉर्म है वो यहाँ पर दे रखा हुआ है. मैं इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो यू कैन अप्लाई फ्रॉम हियर. सो आपको फिल क्या करना है, ईमेल आपको सबसे पहले, योर नेम, प्लीज सेलेक्ट दी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, जो भी आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन प्लीज सेलेक्ट दैट. व्हाट इज योर स्पेशलाइजेशन, प्लीज शेयर द मेजर वन. आपने अपने ग्रेजुएशन में क्या किया है वो चेक फिल कर दीजिएगा, या फिर अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या किया है, जस्ट टेक दैट. ओके, हाउ मेनी इयर्स ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस डू यू हैव. अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है, टिक ऑन दैट. इफ नॉट, सो क्लिक ऑन आई एम फ्रेशर. डू यू हैव एनी प्रायर एक्सपीरियंस इन राइटिंग, राइटिंग से रिलेटेड, कंटेंट राइटिंग इनसे रिलेटेड कुछ भी आपके पास एक्सपीरियंस है, टिक दैट. इफ नॉट, सो नो. And what is your monthly current last take home salary? जो भी आपकी सैलरी है वो आप यहाँ मेंशन कीजिएगा. नहीं है, राइट इट डाउन एनी, यहाँ पर लिख भी रखो, प्लीज राइट एनी इन केस इफ यू आर फ्रेशर. नाउ विल यू बी कम्फर्टेबल मेकिंग कॉल्स इन केस प्रपोज रोल डिमांड्स यू टू एंगेज विद क्लाइंट्स. क्या आप कॉलिंग करने के लिए तैयार हैं अगर कुछ क्लाइंट से आपको बात करनी पड़ेगी वो दी फोन कॉल. सो यस, आपको बात तो करनी ही पड़ेगी ये समझने के लिए रिज्यूमे कैसे अच्छे से बना सकते हैं. ओके, नाउ व्हाट इज योर करेंट लोकेशन, लोकेशन जो भी आप वहाँ से यहाँ फिल कर सकते हैं. विल यू बी कम्फर्टेबल विद नोएडा एज अ जॉब लोकेशन, तो नोएडा में जॉब लोकेशन के लिए आप कम्फर्टेबल हैं, सो मेंशन यस. एंड इफ नॉट, तो आप फिल ही क्यों कर रहे हैं इस जॉब को, सो मेक इट यस. ओके, आई प्रिफर वर्क फ्रॉम होम दो कैन रिलोकेट टू नोएडा एज वेल. ओके, अगर आप वर्क फ्रॉम होम चाहिए तो भी ठीक है, अगर आप नोएडा भी रिलोकेट करना चाहते हैं तो भी इनके पास एक ऑप्शन है, तो आप वो भी ठीक कर सकते हैं. ओके, इफ गिवन अ चॉइस व्हाट काइंड ऑफ रोल विल यू प्रिफर, मिक्स ऑफ क्लाइंट हैंडलिंग प्लस राइटिंग, प्योर प्ले, कंटेंट राइटिंग. ओके, यहाँ पर आपको प्रेफरेंस भी दे रखी हुई है कि आपको उसमें क्लाइंट से बात करने के लिए आपको रोल चाहिए या नहीं, या फिर सिर्फ आपको राइटिंग का पर्पज चाहिए, क्या चाहिए, तो वो भी इसमें आपको चीजें मेंशन है, तो आप मेंशन कर सकते हैं. प्लीज शेयर योर कॉन्टैक्ट नंबर. ओके, कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करने के बाद प्लीज अपलोड योर अपडेटेड रिज्यूमे. सो प्लीज मेक श्योर टू अपडेट योर रिज्यूमे, मैंने आपको बताया है. प्लीज मेक श्योर टू डाउनलोड दैट ऐप एंड मॉडिफाई योर रिज्यूमे इन जस्ट 5 मिनट्स. ओके, सो दिस वॉज द एप्लीकेशन. ओके, अभी नेक्स्ट भी है, इसके आगे भी होगा, मैंने फिल नहीं किया तो अभी जाएगा नहीं, आगे भी छोटा सा फॉर्म होगा, तो आप उसको फिल करने के बाद आप इस तरीके से इसको कंप्लीट कर सकते हैं. Okay guys, so this was the job opening of these two companies. Hope so you like the video and make sure to like and subscribe our channel, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी नई job updates लाती रहती हूँ, so that you can apply in this and save yourself from the fake scammers job. Okay, so bye bye till then, and keep shining and keep happy, stay healthy and stay safe. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, बाय बाय.